वहीं दिल्ली में पानी की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। दिल्ली के लोगों को टैंकर आने के बाद बाल्टी और डब्बे लेकर उस टैंकर के पीछे भागना पड़ता है। हालात ये हैं कि वजीराबाद पॉन्ड में पानी लगभग खत्म हो गई है और इस बात से परेशान दिल्ली सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है। दिल्ली सरकार ने शनिवार को पानी की कमी को लेकर एक आपात बैठक भी की। आतिशी ने बताया कि वजीराबाद पॉन्ड में पानी लगभग खत्म हो चुका है, वहीं मुनक नहर में भी पानी की कमी है। पानी की इस भयंकर कमी को देखते हुए अब दिल्ली के विधायकों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मदद मांगी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या हालात हैं दिल्ली में पानी की किल्लत से, कैसे लोग परेशान हैं। जैसे ही टैंकर पहुंचता है वैसे ही लोग बाल्टी लेकर दौड़ पड़ते हैं और ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उन्हें पानी मिल जाए। तो ये स्थिति है भीषण गर्मी में राजधानी दिल्ली की। तो बता दें कि दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया है। आतिशी ने दिल्ली में पाइपलाइन काटने की साजिश का आरोप लगाया है। मामले में जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है, साथ ही दिल्ली में मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने का आग्रह किया है। आतिशी ने कहा है कि कल साउथ दिल्ली में पाइपलाइन में साजिशन 6 बोल्ट काट दिए गए। दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए षड्यंत्र हो रहा है और इस षड्यंत्र के कारण साउथ दिल्ली में आज 25% पानी की कमी हुई है। तो दिल्ली में जल संकट पर सियासत ने दिल्ली को और परेशान कर रखा है। आम आदमी पार्टी की सरकार समस्या का समाधान खोजने की जगह आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त है। आप नेता दिलीप पांडे कह रहे हैं कि यमुना का जलस्तर गिरने के बाद केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई थी और अगर केंद्र सरकार मदद कर दे तो दिल्ली की जनता की पानी की परेशानी हल हो जाएगी। जी बिल्कुल, आज हम लोग बहुत उम्मीदों से दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि के तौर पे दिल्ली के लोगों की पीड़ा बयान करने आए थे केंद्र की सरकार के जो जल शक्ति मंत्री महोदय हैं सीआर पाटिल साहब के पास। कल हमने उनको पत्र भी लिखा, ईमेल भी किया, एसएमएस, व्हाट्सएप, जितने भी संपर्क सूत्र हो सकते हैं सब पे उनसे प्रयास संवाद स्थापित करके प्रयास किया कि उनसे समय मिल जाए, नहीं मिल पाया। हम खुद चले आए क्योंकि हमारे लिए एक एक घंटा काटना जो है मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में जल का संकट जो है बहुत गंभीर है। कल कोई तो था यहाँ पे, मैं आपको बताऊँ ईमानदारी से, कल चिट्ठी जब भेजी तो किसी ने रिसीव करी है चिट्ठी और रिसीविंग भी हमें दी है, लेकिन आज बताया जा रहा, पता नहीं क्यों बताया जा रहा, आज बताया जा रहा है कि वह नहीं। कोई बात नहीं, सीधे सीधे ना सही, पर आप मीडिया के साथियों के जरिए ही दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का दर्द, उनकी पीड़ा, जल के संकट की इस परिस्थिति जो है वो उन तक अगर पहुंच जाए तो उम्मीद ये करते हैं कि वो केंद्र की सरकार के दमखम रखने वाले मंत्री हैं, वो अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अगर थोड़ा सा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कर दें तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी के संकट से राहत मिल जाएगी। तो दिल्ली जल संकट से जुड़ी यह बड़ी खबर आ रही है। आप सरकार के खिलाफ बीजेपी सांसद कमलजीत का विरोध प्रदर्शन, मटका फोड़कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कमलजीत ने दिल्ली सरकार पर पानी की किल्लत को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कमलजीत ने कहा कि दिल्ली में जल संकट की स्थिति दिल्ली सरकार की देन है। सरकार, केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार, बाकी सरकारों पर झूठे इल्जाम लगा रही है। कमी उनके अपने डिपार्टमेंट के अंदर है। इस तरह के न जाने कितने ही पॉइंट है जहां पर पानी की वेस्टेज हो रही है। ना वो जो उनके एसटीपी पॉइंट है उनको रखाव कर पा रही है, ना वो इस तरह के पॉइंट्स जो वहां पे वेस्टेज हो रही है उनको रोक पा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक आप कहिए अपराध है दिल्ली की जनता के साथ कि इस तरह का काम हो रहा है, उनके नाक के नीचे हो रहा है। द्वारका के दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को सारी बात पता है, फिर भी इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इस पानी से लोग यहाँ पर गाड़ियाँ धोते हैं, पानी यहाँ पर वेस्ट होता है और सारा यहाँ पर सीवर के पानी में मिलता है। तो हमारा आज आपके माध्यम से कहना है कि बार बार हम इस बात को उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार झूठे इल्जाम लगाने की बजाय अपने दिल्ली जल बोर्ड की मैनेजमेंट पर ध्यान दे तो दिल्ली की जनता की प्यास बुझ सकती है, दिल्ली की जनता की पानी की जरूरत पूरी हो सकती है। और दिल्ली जल संकट से जुड़ी बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी नेता राजेंद्र पाल का बड़ा आरोप है, राज्यों का पानी दिलाना राज्यों को केंद्र की जिम्मेदारी है, जल संकट पर केंद्र सरकार मदद करें। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं।
जो उनके अंदर से बताया गया कि वो घर पे नहीं है, जबकि कल उनके घर पे लेटर रिसीव कराया था। कोई ना कोई उनका सचिव कोई होना चाहिए था जो कम से कम उनके उनके पास ये बात पहुंचनी चाहिए कि जब उनको कल लेटर दिया गया, उनको जानकारी तो है कि हम लोग आ रहे हैं, उनको जानकारी तो है कि दिल्ली में जल का संकट चल रहा है, लोगों को समस्या आ रही है, तो एटलीस्ट उनको इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बना के समस्या का समाधान कराने की कोशिश करनी चाहिए। हम हर प्रकार का, दिल्ली सरकार हर प्रकार का कोऑर्डिनेट करने को तैयार है, हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार है, लेकिन जल मंत्री होने के नाते, केंद्रीय जल मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी परिस्थिति में जो भी जुड़े हुए इससे जुड़े हुए स्टेट हैं उनसे बातचीत करके एक साथ बिठाकर इसका समाधान करना चाहिए। दिल्ली में जल संकट को लेकर आम जनता परेशान है। दिल्ली के ओखला फेज टू में भी जनता परेशान है, यहाँ कई दिनों तक टैंकर नहीं पहुँचता है। जनता का आरोप है कि पाइपलाइन तो बिछी हुई है लेकिन पानी नहीं आता, टैंकर कई दिनों पर आता है तो लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। पानी देते हैं केजरीवाल जी, जो नालियों में चलता है, बताओ हमारे घर में क्या छोटे छोटे बच्चे बीमार होते हैं, इसका अर्जाना कौन देगा? अतिशी जी तो हमारे यहाँ की मंत्री है, पानी की जल मंत्री है, पर उनके वहाँ भी टैंकर आते, हमारे यहाँ तो टैंकर भी नहीं आते, पैसे दे के भी हमें पानी नहीं मिलता है। आप मेरे एरिया में आइए, गोविंदपुरी में आज भी टैंकर आते हैं। अतिशी जी का गृह वो विधानसभा है, जो मंत्री अपनी विधानसभा को भी पानी नहीं दे पाई वो दिल्ली को पानी क्या देगी? आज पूरी की पूरी दिल्ली पानी से त्रस्त है और उसको पीने का पानी नहीं मिल रहा। आप मुझे बताइए कि 10 साल पहले इन्होंने कहा था कि हम आपको साफ पानी मुहैया कराएंगे, आप दिल्ली की कोई कोठी, दिल्ली का कोई फ्लैट, दिल्ली की कोई झुग्गी जिसके अंदर आरओ या फिल्टर्ड वाटर खरीदा ना जाता हो, ये मुझे बताइए। हर जगह पे पाइप की लीकेज लीकेज हो रही है, वो लीकेज वो ठीक करवाते हैं। और गर्मी का भीषण गर्मी का के दिन आ चुके हैं, उन्होंने पहले ही पानी का स्टॉक करना चाहिए था। मेरी जनता देवली गांव त्रस्त है बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वयं